देखिए इस वीडियो में हम Elasticsearch कॉमन स्कीमा पढ़ने वाले हैं। इसको हम ECS भी बोल सकते हैं, ठीक है। काफी थ्योरेटिकल लेक्चर है, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। लिखा हुआ है इलास्टिक कॉमन स्कीमा इज अ स्टैंडर्डाइज्ड data schema designed to provide a common set of field names and data types, ठीक है। फिर से एक बार, इलास्टिक कॉमन स्कीमा इज अ स्टैंडर्डाइज्ड डेटा स्कीमा डिजाइंड टू प्रोवाइड अ कॉमन सेट ऑफ फील्ड नेम्स, ठीक है, एंड डेटा टाइप्स फॉर लॉग्स एंड मैट्रिक्स इन इलास्टिक स्टैक, ठीक है। क्या कह रहा है भाई? बोल रहा है कि इलास्टिक स्टैक के अंदर कुछ रूल्स बना दिए इन्होंने कि लॉग्स के लिए फील्ड के नाम क्या होंगे एंड डेटा टाइप्स क्या होंगे, ठीक है। अब इलास्टिक स्टैक बोला है मैंने, इसका मतलब क्या है? इलास्टिक सर्च, किबाना, लॉगस्टैश, बीट्स, ठीक है, या फिर अदर कोई एक्सपैक वगैरह भी है तो वो भी, ठीक है। ECS वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इलास्टिक, ठीक है, जो कि कंपनी है बिहाइंड इलास्टिक स्टैक, टू प्रोमोट इंटरऑपरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड ईज ऑफ डेटा एनालिसिस अक्रॉस डिफरेंट डेटा सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस। इलास्टिक स्टैक के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, इसी वजह से ECS इंट्रोड्यूस किया गया इलास्टिक के द्वारा कि भाई उनके फील्ड नेम्स एंड डेटा टाइप्स जो एक स्टैंडर्ड द्वारा डिफाइन किए गए हों। समझ आती है बात? अब ये चार चीजें, स्टैंडर्डाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी एंड इकोसिस्टम इंटीग्रेशन, इनके बारे में आप देखते हैं। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन। ECS defines a standardized set of field names and data types for various common data fields found in logs and metrics। कह रहा है कि फील्ड के नाम जो है ना उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं। कौन सी फील्ड के नाम? जो कि सबसे ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है, लॉग्स में, एनालिसिस में, जैसे कि टाइम स्टैम्प्स, लॉग लेवल्स, IP एड्रेस, यूजर एजेंट्स वगैरह, ठीक है। दिस स्टैंडर्डाइजेशन अलाउज डिफरेंट डेटा सोर्सेज टू बी इजीली इंजेस्टेड एंड एनालाइज्ड इन अ यूनिफाइड मैनर, ठीक है। कंपोनेंट्स कितने भी हों, आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी नाम की एंड डेटा टाइप्स की। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। वाइल ECS प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ फील्ड नेम्स, इट आल्सो अलाउज फॉर एडिशनल कस्टम फील्ड्स टू बी एडेड टू अकोमोडेट स्पेसिफिक यूज केसेस एंड डेटा रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली आप कस्टम भी ऐड कर सकते हैं। दिस मीन्स यू कैन एक्सटेंड ECS टू इंक्लूड डोमेन स्पेसिफिक फील्ड्स विदाउट लूजिंग कंपैटिबिलिटी एंड अदर ECS कंप्लायंट टूल्स। फिर थर्ड है इंटरऑपरेबिलिटी। बाय यूजिंग ECS, डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज कैन बी इंजेस्टेड इनटू इलास्टिकसर्च एंड एनालाइज्ड इन किबाना विदाउट नीडिंग टू डिफाइन कस्टम मैपिंग्स और फील्ड नेम्स फॉर ईच डेटा सोर्सेज। हाँ, वही बात है। दिस सिंप्लीफाइज डेटा इंटीग्रेशन प्रोसेस एंड मेक्स इट इजियर टू बिल्ड डैशबोर्ड्स एंड विजुअलाइजेशन दैट वर्क विद द डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। इतनी सरल भाषा है, अब हिंदी में क्या समझाऊं इसको। इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। ECS इज डिजाइन टू वर्क सीमलेसली with various Elastic Stack components, including Beats, Logstash, Elasticsearch, and Kibana. It also integrates well with other ecosystem tools like machine learning features and SIEM, ठीक है। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं जो आपको नहीं पता है, कोई टेंशन तो टेंशन मत लीजिए उसकी, ठीक है ना। इस कहानी का सार ये है कि कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया है इलास्टिक में ताकि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसमें डेटा सेम रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, हम इजीली स्विच कर पाए। जब हम किबाना पढ़ेंगे, लॉगस्टैश पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। Here are few examples of fields, ठीक है, जो कि डिफाइंड हैं इलास्टिक कॉमन स्कीमा में। पहला है टाइम स्टैम्प। एट टाइम स्टैम्प करके लिखा है नाम, तो यही नाम लिखेंगे आप, ठीक है। टाइम स्टैम्प ऑफ द इवेंट रिप्रेजेंटिंग द इवेंट अकर्ड। किस टाइम पर कोई इवेंट अकर हुआ था उस फील्ड का नाम देंगे हम एट टाइम स्टैम्प। मैसेज। द लॉग मैसेज इटसेल्फ कैप्चरिंग द प्राइमरी कंटेंट ऑफ द लॉग एंट्री। जो लॉग की एक्चुअल एंट्री है वो हम मैसेज फील्ड में डालेंगे। देन होस्ट, ठीक है। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ, ये लिखी हुई है भाई फील्ड के नाम क्या रखें और उनके स्पेसिफिक यूज केस। होस्ट है भाई, नेम और IP एड्रेस तो होस्ट एंड सोर्स, ठीक है ना। और डेस्टिनेशन .IP, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ठीक है। तो इलास्टिक कहता है कि अगर आपके ये यूज केस हैं तो आप क्या करिए, आप ये नाम रखिए, ठीक है, तो आसानी होगी। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।